30 साल बाद कांग्रेस का सूखा खत, बीएसपी के रण छोड़ने से भाजपा के हाथ से फिसली सीट। शिवराज बीडी शर्मा नहीं बचा पाए गढ़। कांग्रेस की अभ्यर्थी कल्पना वर्मा 12,290 मतों से विजयी। 31 साल बाद रैगांव में कांग्रेस का सूखा आखिरकार खत्म हो गया। प्रतिमा के हाथ में आया हुआ कमल मुरझा गया। भाजपा को बागरी परिवार की अनदेखी यहां महंगी पड़ गई। कांग्रेस के प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट से भाजपा की प्रतिमा बागरी को हरा दिया। कल्पना वर्मा के दादा ससुर बाला प्रसाद वर्मा भी नगौत से विधायक रहे हैं। अब कल्पना वर्मा खुद रैगांव से विधानसभा निर्वाचित हुई हैं। 2018 में कांग्रेस से बतौर प्रत्याशी कल्पना वर्मा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें उस वक्त हार नसीब हुई थी और वो दिव्यांगत विधायक रहे जुगल किशोर बागरी से हार गई थी। लेकिन वर्षों में अपने अस्तित्व बनाने में जुटी कांग्रेस को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। यही कारण था कि एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान ने कल्पना वर्मा में विश्वास जताया और 31 साल से जीत तलाश रही कांग्रेस की विजय हासिल हो गई। गणना के दौरान 15वां राउंड का रिजल्ट आने ही वाला था कि मायूसी लिए भाजपा प्रत्याशी मतगणना स्थल से घर की तरफ हुई रवाना। हाथ जोड़ सभी का सहज भाव से शुक्रिया अदा करते हुए वो दिखाई पड़ी और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। इस दौरान मीडिया में किसी प्रकार का कोई बयान देने से भी किनारा कर लिया। इस तरह से मतगणना के बीच मैदान छोड़कर चले जाने से आम जन में ये चर्चा का विषय बन गया है। कहेंगे आप सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत सहयोग बहुत। समय के साथ हर राउंड की गिनती पूरी होती गई और कांग्रेस लगातार बढ़त हासिल करती है। कांग्रेस की जीत होती दिखाई दी कि जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों के चेहरे खिल उठे। मतगणना स्थल के बाहर हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नारेबाजी, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही 23वें राउंड की मतगणना पूरी हुई और जीत कांग्रेस को हासिल हुई तो वो खुशी जो 31 सालों से सीने में दफन थी वो बाहर आती हुई साफ तौर में दिखाई दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव के उप निर्वाचन कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना का कार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक 1 सतना में संपन्न हुआ। मतगणना के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर रैगांव नीरज खरे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभ्यर्थी कल्पना वर्मा को 12,290 मतों से विजय होने पर प्रमाण पत्र दिया। निर्वाचन घोषणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार कल्पना वर्मा को 72,989 मत मिले तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा बागरी को 60,699 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार कल्पना वर्मा को 12,290 मतों से विजयी घोषित किया गया। यहां दिलचस्प बात यह रही कि नोटा में 1,436 मत विधानसभा की जनता ने डाला। रैगांव विधानसभा के उपनिर्वाचन में मतदाताओं में से 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता तथा दिव्यांग मतदाता सहित सर्विस वोटरों ने भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें 854 डाक मतपत्र और 26 सर्विस वोटर के डाक मतपत्र की गिनती हुई। डाक मतपत्रों की गिनती के परिणाम के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभ्यर्थी कल्पना वर्मा को 393, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा बागरी को 368 डाक मतपत्र प्राप्त हुए। फाइनल रिजल्ट में कल्पना वर्मा 72,989, विधवा बागरी 8,699, धीरेन्द्र सिंह 0,838, नंद किशोर प्रजापति 312, उत्पेद बागरी 148, राजा भैया 201, कल्पना वर्मा 366, दत्तू रेवा 210, बच्चा सिदोरिया 247, बाल गोविंद चौधरी 591, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा 321, राजेंद्र डोगर 883, राजेश फिरोज सिंह 429, राम गरीब चौधरी 1062, राम नरेश चौधरी 1641। इस प्रकार जो है वेद मतों का कुल योग जो है 1,43,236 रहा है और 1,436 वोट जो है नोटा को प्राप्त हुए। इस प्रकार 12,290 वोट से कल्पना वर्मा को विजय घोषित किया जाता है। कांग्रेस से निर्वाचित हुए विधायक कल्पना वर्मा की जीत का ठिकाना न था। वो मीडिया से रूबरू हुए और जीत का श्रेय कांग्रेस संगठन कार्यकर्ता व रैगांव की जनता को दिया। ये कांग्रेस पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और रेगांव विधानसभा की समस्त जनता को जाता है, जो उन्होंने निर्णय लिया है परिवर्तन करने का उनका उद्देश्य था और वो मुझे भरपूर आशीर्वाद और प्रेम दे रहे थे। ये जनता का निर्णय है और भरपूर मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत झोंकी, आखिर उसे हार का सामना क्यों देखना पड़ा, क्या रहा वैसी वजह? रेगांव विधानसभा में जो बीजेपी के द्वारा 35 साल किया गया विकास और महंगाई, बेरोजगारी और बिजली, पानी, सड़क, हर एक समस्या रेगांव विधानसभा में मौजूद है, जिसके कारण जनता परेशान हो गई थी केवल घोषणाएं सुन सुन के, और इसीलिए उन्होंने परिवर्तन किया। जनता बहुत सारी अपेक्षाएं लगाए आपसे, क्या आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे? जो भी जनता की मुझसे उम्मीदें हैं मैं यथाउचित उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगी। अब चूंकि विपक्ष में हूं और जो भी मुझसे बनेगा मैं करूंगी, जनता के हर दुख सुख में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगी और जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान में कभी भी कमी नहीं आने दूंगी।